जी देखिए इसकी वायर में फर्क है, ठीक है, इसकी डब्बी में फर्क है, ये जो स्टिकर होता है वो अक्सर का लोकल है, ठीक है, ये स्कैन भी हो जाता है, इसकी डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे हैं आजकल है, इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे, इसका ये निशान है ना, इसमें फर्क होगा, ये कैनेडियन ओरिजिनल पड़ी हुई है, इसका फर्क दोनों का नजर आ जाएगा आपको। ये 70 पेयर के, इसके ऊपर आप 4 प्लेटें बड़ी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप 2000 वाट जो है ना अपना तैयार कर सकते हैं, 8 KV में, 10 KV में, 15 KV में, ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास वैरायटी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर मार्केट हो चुकी है मजीद क्रैश, और आज की इस वीडियो में सोलर पैनल्स के लेटेस्ट गिरते जो प्राइस है वो आप तक पहुंचाएंगे, और इसके साथ साथ आप मेरी बैक साइड पर देख रहे होंगे प्रॉपर ये इन्वर्टर्स का वेयर हाउस है, कोशिश करेंगे इनकी जो प्राइस है वो भी आप तक पहुंचाएं लेटेस्ट और होलसेल। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आखिर तक आपने जरूर देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी अस्सलाम वालेकुम जुवेद भाई, आपका क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है? माशाल्लाह आए दिन जो रेट्स हैं वो भी नीचे आ रहे हैं, बरसात का जो मौसम है वो भी जा रहा है, धूपें निकलना माशाल्लाह स्टार्ट हो गई हैं, तो क्या प्राइस हैं जी पैनल्स के, और आजकल जो कस्टमर्स की डिमांड है इन पैनल्स में कौन सी कंपनियां जो अच्छी परफॉर्म कर रही है, ये सब आपने बताना है। काफी वैरायटी पड़ी हुई है, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि कस्टमर को कैनेडियन के ऊपर बढ़ाते हैं, जी जी हमें कैनेडियन चाहिए, उसमें मार्केट में ये चीज हो रही है कि 2-3 कैटेगरी की चीजें आ रही हैं मार्केट में, कुछ लोगों को बेचारे कस्टमर आते हैं नहीं, उन्हें पहचान नहीं है चीज की, जी जी मैं रेट की बात तो है मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन अहम चीज देख चीज का पता चल सके कि जो हम पैसे खर्च करके सस्ती चीज ले रहे हैं वो एक नंबर ही ले रहे हैं जी जी। या हम 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, मैंने ना सिर्फ आपके कस्टमर को अपने व्यूवर्स को ना क्लियर करने के लिए मैंने वो रखी है सिर्फ दिखाने के लिए जी जी। ये देखिए जैसे ये चीज है, इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे, इसका ये निशान है ना, इसमें फर्क होगा, ये कैनेडियन ओरिजिनल पड़ी हुई है, इसका फर्क दोनों का नजर आ जाएगा आपको, अच्छा ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर ये कौन सी है, ये कैनेडियन नहीं है लेकिन कह के मार्केट में कैनेडियन बेचते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको सिर्फ फर्क बताऊंगा कैनेडियन का, फिर उसके बारे में मैं आपको रेट भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चीज आ रही है। देखिए इसकी वायर में फर्क है, ठीक है, इसकी डब्बी में फर्क है, ये जो स्टिकर होता है वो अक्सर का लोकल है, ठीक है, ये स्कैन भी हो जाता है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे हैं आजकल लोग, ठीक है। अब ये चीज है ओरिजिनल, जो ओरिजिनल कैनेडियन है, ओरिजिनल कैनेडियन जी जी, जो जी जी असल कैनेडियन है जी जी, उसके ऊपर ये आप देखेंगे पहली बात इसका ये निशान है, दूसरी चीज इसके शीशे के अंदर जी जी, इसके शीशे के अंदर आप थोड़ा सा अगर करेंगे तो इसके अंदर कैनेडियन लिखा हुआ नजर आएगा अंदर इसके, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने वो देखा है, अब ये देखें कि इसकी वायर, इसकी फिनिशिंग जी इसकी जी। इसके ऊपर आपको सारी चीजें वाजे नजर आएंगी कि एक ओरिजिनल चीज में एक वाजे तौर पे फर्क नजर आएगा कि ये चीज है, अच्छा है? मार्केट में इसको रेट कह रहे हैं रेट नीचे है, ऐसे है, लेकिन हो ये रहा है, ठीक है, मार्केट का रेट नीचे आया है, लेकिन जो ओरिजिनल या खालस दूध है ना उसमें रेट में फर्क जरूर आता है। ये चीज जो है आजकल 30 रुपए 29 रुपए अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में कस्टमर लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं, ये अब पैसों के ऊपर चल रहा है, ये मार्केट में चलना तो है, रेट तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, लेकिन मार्केट को देखते हैं हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे और हम अपना, अच्छा इसके 30 रुपए 29 रुपए आप जी, और जो ओरिजिनल कैनेडियन है, ओरिजिनल जो है वो आपको 30 रुपए मिल जाएगी इधर से, मैं अच्छा। आपको दूंगा 30 रुपए में विद डॉक्यूमेंट्स के साथ बाईफिशियल एंड टाइप में। कितने वाट की है प्लेट है? ये 580 वाट की प्लेट है हमारे पास, अच्छा ठीक है। बाकी हमारे पास तो काफी वैरायटी पड़ी हुई है, 570 जिनको है आपके पास, जिनको भी पड़ी हुई है, ये देखें कितने रुपए पर वाट है, मैं आपको वाजे करता हूँ, जिनको भी उसका भी सेम ही रेट है, लेकिन इसके ऊपर देखिए मैं आप कुछ कस्टमर को ना चीज की पहचान बताने की कोशिश करता हूँ कि इनकी वायर के ऊपर भी लिखा होगा जिनको, जी जी ठीक है, इनकी डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है जिनको, अगर क्लोज करेंगे आप ठीक है जी जी। चीज की फिनिशिंग में भी नजर आएगा, निशानियां हर प्लेट के अलग अलग से हैं, जी जिस जी। प्लेट के ऊपर सिर्फ स्टिकर लगा हो, उसके ऊपर सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हो, वो प्लेट ओरिजिनल नहीं है मेरे भाई जी जी, ओरिजिनल नहीं है, उसके ऊपर वाट का फर्क है, चीज का फर्क है, वारंटी का भी फर्क है जी जी। कह के दे देना बाद में, फिर कितने रुपए पर वाट है, ये आपको 30 रुपए पर वाट में मिल जाएगी, ठीक हो गया। और लॉन्जी, लॉन्जी भी सेम ही रेट पे मिल जाएगी, उसमें हमारे पास MO7 भी पड़ी भी है, 6 भी पड़ी भी है, उसका तकरीबन सेम ही रेट है, 30 रुपए जी, 30 रुपए मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, तो अहम चीज ये है कि ये कस्टमर को पहचान भी होनी चाहिए, हम इन्फॉर्मेशन के लिए यार वीडियो बनाते हैं आपको बताने के लिए, आपके व्यूअर्स को गाइड करने के लिए, तो उसमें कस्टमर चीज ले लेकिन चीज की पहचान होनी चाहिए, उन्हें वीडियो देख के ये फायदा हो सके, चीज वो जहां से भी लें लेकिन चीज का पता हो कि हम एक चीज एक नंबर चीज ले रहे हैं या 2 नंबर चीज ले रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है जी आपके पास, ये हमारे पास है अक्सर का, हमारे पास छोटे आते थे कस्टमर, ये छोटा लोड चलाना है जी जी, 1 KV का लोड चलाना है उसने, या पंखे लाइटें वगैरह चलानी है, एक कमरा या 2 कमरे, एक या 2 कमरे में वो ने चलाने के लिए, तो उसमें ये कंपनी का इन्वर्टर है, ये थोड़े से महंगे होते हैं अभी जी, ये हमारे पास 35-36 हजार रुपए का है, अच्छा ठीक है।
बैटरी के साथ है ये, इसको बैटरी भी लगानी पड़ती है, वो तकरीबन जो है ना कस्टमर का 80-90 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। उसके लिए हमने ये अपनी ना ये तैयार की चीज़ है कि इसके ऊपर आप दो प्लेटें बड़ी लगा के आप कम से कम 6 से 7 पंखे, 10 से 15 जो लाइटें हैं, एलईडी बल्ब वगैरह वगैरह आप ये लोड दिन के टाइम चला सकते हैं। इसके ऊपर बैटरी नहीं लगेगी, सीधी सिर्फ आप दो प्लेटें लगाएं और आप अपना लोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लोगों की बचत हुई है। अब इसकी जो प्राइस है भाईजान, ये आपको 18,000 रुपए में मिल जाएगी, 18,000 रुपए में मिल जाएगी जी। और अहम चीज ये है कि इस पे आप बैटरी ना लगाएं, आप दो प्लेटें लगा के एक प्लेट भी लगा के स्टार्ट कर लें, आपके दो तीन चार पंखे जो छत वाले हैं वो चल जाएंगे जी जी। आप लाइटें वगैरह चला रहे हैं उसमें कस्टमर ये कहता है कि यार मैं बैटरी लगानी है, अब गरीब आदमी बेचारा वो कहेगा यार मैं 20-30 हज़ार रुपए की बैटरी भी कहाँ से लूं जी जी, भी मुश्किल होती है जी जी। तो हमारे कमजोर लेवल के लोग हैं वो बेचारे इसी चीज को तलाश कर रहे होते हैं, इसी वजह से ये सोचते हुए हमने ये चीज बनाई है कि ये उनकी जरूरत में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जो छोटी प्लेटें हैं वो भी नजर आ रही हैं, खुसूसी जिन पर एसी डीसी एक पंखा या एक कूलर चल जाता है, तो बहुत जो मुहाना जो फायदा है ना वो होता है कस्टमर को। तो क्या प्राइस है इनकी? अगर आप एक छत वाला पंखा चलाते हैं ना माप्टा के ऊपर, तो आपके तकरीबन जो ना दिन का 1 या 2 यूनिट ले जाता है जी जी, ठीक है। तो आप अगर डीसी पंखा चलाएं और ये प्लेट जो है ये आपको मिल जाएगी 5800 की। अच्छा, ठीक है। मार्केट में ये 7,000 रुपए की भी बिक रही है, इसकी 5 साल की वारंटी है, और एक पंखा और आपकी 1-2 लाइटें जो एलईडी बल्ब है डीसी वाले जो 12 वोल्ट के हैं वो जबरदस्त चल जाती हैं, और लोग ये लगाएं। मैं ये कहूंगा, ये मशवरा दूंगा कि ये ले, अभी सस्ता है, अभी जो मौसम की सूरत है, जो काम की जो कारोबार की कंडीशन चल रही है, अगर इसके ऊपर टैक्स लगता है ऊपर तो ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। मतलब कि आज अगर ये परचेजिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली ऑन सीजन नेक्स्ट सीजन फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट सीजन पे जाने से पहले पहले ये इस सर्दियों में 1-2 माह बाद ही इसके ऊपर जो है ना ये लाजमन सी बात है कि ये रेट इसका बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर मुश्किल में आ जाएगा जी जी। अभी ये इसका फायदा ये है कि ये लोड शेडिंग से भी निकल जाएंगे जी जी, लोड शेड से भी निकलेंगे, और जाहिर सी बात है कि अपनी बचत भी कर लेंगे। अच्छा, ये एक MPPT आज मुझे मार्केट में नजर आई है, क्या इसकी जो खासियत है और इसकी जो प्राइस है वो क्या है? इसमें खासियत यह है कि जिन बंदों के पास UPS है जी जी, वो कहते हैं कि यार हम प्लेट लगा के जी जी जो है ना वापटा से थोड़ी सी बचत हो जाएगी, हम सोलर प्लेट इस्तेमाल करेंगे, 1-2-4 प्लेटें 3 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे जी जी। ये हाइब्रिड MPPT इन्वर्टर है हमारे पास होमेक्स का। अच्छा, ठीक है। ये 70 एम्पीयर के, इसके ऊपर आप 4 प्लेटें बड़ी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप 2000 वाट जो ना अपना तैयार कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी चीज को अपनी बिजली तैयार करें, उसके ऊपर अपनी बचत हो जाएगी आपकी, ठीक है। UPS के साथ लगा के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोड शेडिंग से भी बचेंगे, और जो जितनी बिजली वापटा शेयरिंग भी करेगी, हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड है ठीक है, ये वापटा शेयर करेगा, वापटा इन है वापटा आउट है, ठीक है। ये बैटरी है, ये सोलर है, इसके ऊपर आप 12 वोल्ट का भी इधर से करंट ले सकते हैं, ठीक है। okay, और बहुत जबरदस्त चीज है, और खास चीज ये है कि ये 12 और 24, यानी कि आप सिंगल बैटरी लगाना चाहते हैं या डबल, ये ऑटोमेटिक उसको वो करेगा। आजकल जो इन्वर्टर 3 kV में क्या प्राइस चल रही है, अच्छा कौन सा है? इन्वर्टर तो बहुत कंपनियों के हैं, तो बहुत अच्छे हैं। अहम चीज होती है कि कस्टमर को चीज की ना चॉइस के ऊपर आते हैं कस्टमर के, यार ये हमें ये कंपनी पसंद है, ये कंपनी इसका नाम पसंद है जी जी, ठीक है। इसके ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, अभी ये 80,000 रुपए का है 3 kV का, इसी तरह ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये 1.5 है, ये सोलर मैक्स का है जी जी, ये आपको मिल जाएगा 75,000 रुपए का जी जी। इसी तरह ये ऊपर आ रहा है, आजकल रेट जो है ना वो काफी नीचे आए हुए हैं, तो मेरा ये मशवरा है अपने आपके व्यूवर्स को और हमारे कस्टमर को भी कि भाई अगर आपको मौका है अभी रेट सस्ते हुए हैं तो आप खरीदारी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना थोड़े टेस्ट वगैरह लग गए अगर तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और जब सीजन आएगा तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज है आपके पास इम्पोर्टेड में? हमारे पास ये इंडेक्स है ऑन ग्रिड में, 15 kV है, 10 kV है, 16 है, जो 5 साल की रिप्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, 3 फेज में है। फिर ये हमारे पास नाइट्रोक्स है 8 kV में, 10 kV में, 15 kV में, ठीक है। इसके ऊपर भी हमारे पास वैरायटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो अहम चीज ये है कि कस्टमर अभी बहुत ज्यादा लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो चलाने के लिए, तो उनको भी बड़ा फायदा हो रहा है, जिनका लाखों में बिल आता था जी अभी जी। वो हमें कहते हैं कि नहीं यार हमने ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लिया है, साथ उसके एक हाइब्रिड कनेक्ट किया है, ये वो बड़े लेवल पे होता है, लेकिन ये है कि उनकी लाखों रुपए की वो कहते हैं हम खुद की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, जो महीना का बिल है ना हमने देना है वो हम उसको हम अपना उसको उधर बचत में निकाल लेंगे। अच्छा, कस्टमर ने अब यहाँ पर आना हो तो क्या उसका तरीका कार हो? मेन हारोड ताहा ट्रेडर के नाम से जी जी, मेन हारोड लाहौर ताहा ट्रेडर मैदान बैंक के बिल्कुल सामने जी जी, दुकान है हमारी, उधर तशरीफ लाए हम हाजिर है भाई जान। चलें जी, अच्छा याद आ गया, लोकल इन्वर्टर, आजकल लोकल इन्वर्टर सर ये हमारे पास है जो चल रहा है, इसमें 5 kV और 7 kV है, 6 प्लेटों से ये स्टार्ट होता है। अच्छा, जो 7 kV होता है वो 14 प्लेटों
ऊपर मैक्सिमम लग जाती हैं, जो 5 KV है उसके ऊपर मैक्सिमम 10 प्लेटें लगती हैं। जी जी ठीक है। ये आपको जो 5 KV है वो आपको मिल जाएगा 30,000 रुपए का, जो 7 KV आपको मिल जाएगा 40,000 रुपए का। ठीक है। और इसमें बैटरी नहीं लगती और ये दिन के टाइम बड़ा जबरदस्त वर्क कर रहा है। जो बंदे कहते हैं कि यार हमने 1 KV का लगाना है, मैं ये कहूंगा कि आप 1 KV का कंपनी का अगर लगाएंगे तो वो आपको 40-45,000 में पड़ेगा। अच्छा। वही अगर आप 5 या 7 KV का लगाते हैं तो आपकी वो ज्यादा बचत में आ जाएगा। ठीक है। और बड़ी जबरदस्त चीज भी है। और बाज कस्टमर हमें कहते हैं कि यार ये चीज लोकल है, देसी है क्या? मैं ये कहता हूँ कि यार अगर हम बना सकते हैं ना तो हम इसे ठीक क्यों नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है। हम इसे ठीक भी करते हैं और ऐसे कोई इशू नहीं है, ये इतनी खराब होने वाली चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इत्माद है और हमने कस्टमर को नेक्स्ट भी लेना होता है, हमारे पास रिपीट कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो उसी को देखते हैं कि हमारी चीज अच्छी है, रेट अच्छा है, इसी वजह से। ओके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें आल, तक मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर बिरतू हार रोड से आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज।